हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 अगस्त। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपनी हैज लॉन्च एन ऐप कॉल होराइजन वर्करूम्स। किस कंपनी ने होराइजन वर्करूम नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? उसका उत्तर होगा फेसबुक ने। फेसबुक एक अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। फेसबुक कंपनी का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज बींग बिल्ट। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया गया है? इसका उत्तर होगा गोरखपुर में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति ने गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल 80 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में लखनऊ एंड वाराणसी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का आयोजन किया है? इसका उत्तर होगा रशिया ने। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन और प्रदर्शन का अवसर करता है। फोरम आर्मी 2021 पर DRDO अपने स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान LCS तेजस, अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1A, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें के साथ साथ इंडिया पवेलियन में अन्य उत्पादन का प्रदर्शन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द फर्स्ट हैंसलिप पार्क। किस राज्य सरकार ने पहला हैंसलिप पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला हैंसलिप पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मेरा काम मेरा मन योजना। किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मन योजना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मन योजना को मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके, पंजाब सरकार ने बेरोजगारों युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना 2021 शुरू की है। यह MKMM योजना बेरोजगार युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगी। वहाँ के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29th अगस्त। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा नेशनल एयरस्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु गोट द बेस्ट सॉन्ग अवार्ड एट द 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021।
16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है? इसका उत्तर होगा आई वो टू थी ओ मदर। भारत से आशीष रेगो द्वारा निर्देशित आई वो टू थी ओ मदर हिंदी में सॉन्ग को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, उनका नाम है भाविना पटेल। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक पक्का करने वाली भारतीय पहला है जिन्होंने टेबल टेनिस में खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। व्हीलचेयर पर टेबल टेनिस खेलने वाली पटेल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। वह 2011 में आयोजित PTT थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के लिए रजत पदक जीतकर विश्व नंबर दो की रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज प्रेसिडाइड ओवर द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा रचित समूह है। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया कृषि अनुसंधान मंच है, जो कुल मिलाकर लगभग 42% जनसंख्या, 23% सकल घरेलू उत्पाद, 30% क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NCL? NCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा भोला सिंह को NCL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है NCL मुख्य रूप से सामाजिक उत्थान, सतत विकास और पर्यावरण उत्तयन के संबंध में कोयले के उत्पादन के उद्देश्य से संचालित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई द दिल्ली गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री मेंटर्स प्रोग्राम? दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा सोनू सूद को दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज लॉन्च द कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी? कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा किसने शुरू की है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा की शुरू की है। यह केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के कौशल को उन्नत करने के लिए किया गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू किए गए नागरिक केंद्रित सुधार को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कैरोल फर्टाडो हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ विच बैंक? कैरोल फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है केरल फटाडो को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड देश के अग्रणी लघु वित्तीय बैंक में से एक है। यह वित्तीय और डिजिटल समावेशन के माध्यम से असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा करने के लिए बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भारत ने किस देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर होगा मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।